सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो रखा हुआ था, जब मैं तुम्हें मोहम्मद बोला था तो तुमने मतलब उस तरीके से रिएक्ट किया था, तो इधर सब बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि तो एक्सप्लेन मुझे क्या करो। पता था वो लोग क्यों क्यों ट्रिगर रहे, मुझे नहीं पता था गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, नहीं पता था ना, अभी जाके मेरे को पता चले। What's up guys, welcome back to my channel and you're watching RVTV React. And if you're new to the channel, then please start by subscribing to the channel because it's completely free. So today we're gonna react to part jun part bata chai problem start bhako, and I saw a lot of comments saying that I know you esto bhako tyo testo bhako tyo tapai le tyo पुरै भिडियो हेर्नुभयो होइन, त्योभन्दा पहिलाको पार्ट हेर्नुभयो होइन भनेर भन्नुभएको थियो। सो मैले चाहिँ पहिला त्यो कमेन्ट पढ्दाखेरि त्यो लास्टको मात्रै पार्ट हेरेँ। इफ आई सी एभ्री पार्ट देन त्यो रियाक्सन भिडियोको केही अर्थै हुँदैन, बिकज आई विल अलरेडी सी इट राइट। सो अलिक प्रिटेन्ड गरे जस्तो हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ यो भिडियोमा त्यो नामको कसले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो त्यो नामहरू भन्दाखेरिको प्रब्लम भएको थियो त्यो हेरौँ होइन, बिकज एज पर आई नो होइन, बिकज आयुष इज सो रेस्पेक्टफुल पर्सन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हुँदैमा चाहिँ त्यस्तो उसले जानी जानी भनेको छैन, बट अभियसली एज पर आई नो हिम है, एज पर आई नो हिम। अनि तर चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको नामको इस्यु नै, यो धर्म कल्चरको इस्यु नै, यस्तो कल्चरको इस्यु हो कि इभन दो त्यो जानी जानी नजानी नजानी भए पनि इज मिस्टेक राइट। त्यही पनि अब यो चाहिँ मलाई लास्टै यो भिडियो हेर्नु मन छ होइन, त्यो केबाट स्टार्ट भएको, सो द्याट त्यो ठ्याक्कै त्यो मोरल थाहा हुने कि ठ्याक्कै त्यो थाहा होस्, त्यही भएर चाहिँ पहिला त्यो भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट। सुरु त्यही पार्टबाट चल्नु चले जाउँ, यो बेलासम्म त ठिकै रहेछ होइन। सुनो तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें, मतलब जैसे कि तुम लोग में तो नाम होते है ना, क्या है बारिश है क्या यार, क्या आवाज आ रही है? किस चीज के नाम? तो मैं क्या पूछ रहा कि मतलब जैसे कि नाम होते हैं ना, नाम रखते हैं जैसे कि अपने मतलब बच्चों की, तो तुमने क्या सोची हो? जैसे कि होते हैं यार एक दिमाग के तो आती है बड़ा पहले शुरू कर, तो अब तो तुम्हारी भी तुम छोटी तो नहीं हो यार, तब 22-23 साल की होने वाली हो, सही अभी 21 का होने वाला हूँ, मतलब मुझे तो आती है, मुझे तो 18-20 से यहाँ आती है, समझे मतलब सबै ऐसा ठीक ऐसा है। नाम ये वो कभी कभार आती थी अगर सोचता था तो। तुम्हें मतलब नहीं आती ऐसे कुछ नाम वगैरह? तुम्हारे पास है कोई? तुम बोलो ना, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ ना, तुम बोलो तुम्हें मतलब कोई नाम है, मतलब ऐसे कुछ सोचा हो कोई कोई ऑफ कोर्स। नाम पहले आप बताओ। और है? अब देखो ये लड़की को पहले आप बताओ, चुपचाप बोलो तुम्हारा नाम लेके, मतलब थोड़ा मैं कॉपी करूंगा कुछ, चुपचाप बोलो तुम्हें तुम्हें मतलब क्या है तुम्हारी मतलब वो लड़का या लड़की दोनों की? दोनों की एक एक कर दी। नाम के वाला हो गया बाद में, मतलब हमी तो है हमी तो है सही है। अरमान, मोहम्मद, नाम नाम अलियाजिया, यहाँ बड़ा शुरू हुआ थे कौन सी, ये मतलब ये तो किताब के नाम जैसी लग रही है, इंग्लिश किताब की, इसीलिए नहीं बता रही थी तुम ऐसे बकवास करोगे। अरे मतलब ये बस मतलब बेटे के नाम इतना लंबी? नहीं मैंने चार नाम बताए तुम्हें जाहिल। ये चार नाम है? चार नाम अरमान चार बड़ा नाम अरमान, मोहम्मद मोहम्मद, अलियाजिया अलियाजिया, एलिजा बोल दो अब, अलियाजिया लिजना लिजना, और क्या और नाम नाम क्या नाम है यार ये, मतलब इतना ये विदेशी नाम तो मैं कभी नहीं रखता, देशी नाम रखेंगे देशी नाम, ये क्या विदेशी नाम रख के क्या हो गई, कोई तो लास्ट वाला चेंज अच्छी नाम रखना ठीक चाहिए, है, लास्ट वाला चेंज कर लास्ट देंगे। वाला सब चेंज होगी सब, ये अरमान जर्मन क्या ये अरमान मेरे बाबा का नाम था, फिर चेंज होके महफूज हो गया।
शहरी नाम तो ये तो रखना ही है, ये फर्स्ट की नाम तो रखेंगे हम। माने आए ना वही तो सोचा था, मतलब अरमान की बात क्या था, मोहम्मद। हाँ मोहम्मद तो उससे, हाँ वहां से मेरी शुरू थी, मतलब वो सबसे घटिया नाम। तो अरमान ठीक है, अरमान तो मुझे भी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने सुना था, मेरी कान की जाली खुल गई थी, इसलिए मेरी टू कर रही है अभी। तो अरमान को मैं टिक करता हूँ अभी, ठीक है उसको लक कर जाए। उसके बाद क्या थी वो महफूज, महफूज क्या क्या ये सब, ये नहीं, मोहम्मद। हाँ ये मोहम्मद, ठीक है मोहब्बत कर रहे करने के लिए क्या नाम रखे हो क्या उनकी, मतलब जैसे नाम भी ऐसे रखे हो कि उनको मतलब पैदा होने के बाद ही लव करनी है, प्यार करनी है किसी के साथ, आशिक की तरह नाम रखे हो। नाम की आशिक की तरह, हाँ मत बोलो ऐसे, चुप करो। हाँ तो मैं क्या बोला था, वहां से नाम चेंज होगी सेकंड से। जाने दो, तुम पागल हो गए हो। अरमान फर्स्ट अरमान, सेकंड टॉपिक चेंज करो, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो, तुम ये बातें मत करो, छोड़ दो। अरे यार मेरी, मैं बोल रहा हूँ ना यार, मेरी वाली नाम, अब मेरी वाली नाम ही मत बोलू मैं। बोलो कमेंट पड़ी रहा जिस फर्स्ट तरह। अरमान, ये भी मैंने सोचा था तुम्हारी और मेरी मैचिंग हुई, पता है कोइंसिडेंट यार, देखा तुम्हारी और मेरी थिंकिंग सेम है। और सेकंड, हाँ सेकंड रली साली, रली क्या साल, रली रली साल, साल स्पेल करो। को R-A-R-E-S-L, नाम ठीक है सर, ये क्या मतलब है इसका? होती हो, R-A-L-I-S-L, रली साल। रली साल, और थर्ड की लड़की की नाम राखी। राखी। राखी राखी सावंत रख दो पूरा। और यार तित क्या मतलब, राखी सावंत को राखी सावंत मैं बोला हूँ ना यार, राखी तो फोर्थ की मैंने क्या सोचा था कि उसमें फोर्थ की हम क्या रखेंगे, उसकी नाम रखेंगे हम चिंपू। तुम ये टॉपिक चेंज करो, ज्यादा बकवास मत करो, चुप करो। अरे हाँ क्या बोलना उसकी, बस उसकी तो बात सुन के बैठनी है ना मुझे सारी जिंदगी, मेरी बात तो कभी मतलब उसको तो बकवास ही लगती जब भी। योवराजे कमेंट और आई सके थी जस्ट लाए ना एक्सप्लेन ते बार जाए। हाँ टू हिम, कम ऑन। ओके देखो मेरी बात सुनो, ओए जो मैंने तुम्हें मोहम्मद नाम बोला था ना, वो हमारे में बहुत ज्यादा मतलब बहुत उस उन इज्जत से नाम लेते हैं उसका। तो तुमने उसके मतलब वो जब बात की थी तो तुमने बहुत बुरे तरीके से बोला था, तो इन सबसे सॉरी बोलो। ओ तो तुम्हारे तुम लोग की वो नाम में भी वो होती है। नहीं मेरा मतलब है कि तुमने देखा होगा ना, मैं जब मतलब मेरे रूम के पास एक अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो रखा हुआ था, जब मैं तुम्हें मोहम्मद बोला था तो तुमने मतलब उस तरीके से रिएक्ट किया था, तो इधर सब बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि तो एक्सप्लेन मुझे क्या करो। पता था वो लोग क्यों क्यों टिकट रहे, मुझे नहीं पता था गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, नहीं पता था ना, अभी जाके मेरे को पता चली। हाँ उसको नहीं पता था कि वो नाम हम बहुत ज्यादा उससे लेते हैं, सच से लेते हैं, उसको नहीं पता था। तो प्लीज उसको कोई हेट मत दो, उसको नहीं पता था। इधर ये कौन है नेपाली लोग, नेपाली लोग भी अभी इधर बड़े बड़े बात कर रहे हैं, कौन है पागल, आप लोग और ज्यादा मतलब बातें मत किया लोग खाते करो, ना जब ये आप लोगों को ज्यादा जो यार पता नहीं देखो है आप, ना, मैं इधर सिर्फ अपने मुस्लिम्स और पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, ज्यादा आप लोग माँ बाप मत बनो हमारे, आप लोग अपना देखो ठीक है, ज्यादा वो मत करो। तो इधर जाके मतलब फिर से वो कौन है ये पागल जैसे, मतलब पहले अब मुझे पता ही नहीं थी यार, अब मुझे मैं कहाँ से पता चलेगी यार, अभी जाके पता चली ना मुझे कि ऐसी ऐसी भी बात होती है। नहीं कोई बात नहीं नहीं वो नहीं, तो मतलब इधर की वही है पागल जैसी, ये कोई लोग तो इधर बैठे रहते हैं ना इधर बोलने के लिए ऐसे बात ऐसे। नहीं है, इट्स ओके इट्स ओके। तुम्हें तो अब कोई हमारे नेपाल में जाना अब पता है ना कि तेई हमारे निकाले रहे बस नहीं प्रॉफिट्स जस्ते होते हैं, तुम्हें इस बारे में थोड़ा पता है?
प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का पता है? तो नहीं तो हाँ लाइक वो हमारे लास्ट प्रॉफिट है और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं. सो लाइक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर टेकिंग देयर नेम. सो इट्स जस्ट लाइक हाँ दैट. ओके वो तो मुझे तो नहीं पता था ना यार, तो इसलिए तो मुझे, मैं तो मतलब ऐसे कॉमन नेम होंगी जैसे कि हम इधर मतलब विनोद बोल कॉमन दे नेम किसी है, को, वैसे कॉमन फिर बहुत मतलब ज्यादा. हम मुसलमान वो नाम बहुत पसंद करते हैं और मुसलमानों में वो नाम बहुत कॉमन है, लेकिन उस नाम की बहुत अहमियत है, बस ये चीज है. ठीक है, नाम कॉमन और हो कोई तो बात इसको नहीं. मीनिंग एकदम ही इम्पोर्टेंट बस वही नाम की हाँ नहीं, और भी नाम है ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब एक मोहब्बत होती है उस नाम से, इस तरीके से. अभी मुझे पता चला। कोई नाइस बात नाइस मोहम्मद मोहम्मद नहीं. मोहम्मद 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 होने चेंज द टॉपिक एलिजी. नहीं, उसको बताना पड़ेगा ऑफ कोर्स, उसको तो उसको क्यों चेंज कर यार टॉपिक यार, मतलब सबको पता चलने वाली तो ना ये ऐसी सही बात तो। पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए. वही तो कल को मतलब फिर से आज मैंने जैसे मतलब बोल दिया कुछ तो ऐसे कोई बोल दिया तो फिर से बिना समझ के क्या क्या बोल दी तो। कोई बात नहीं, सही छोके इंसान गलती करके तो समझता प्रॉब्लम है ठीक है था और कभी सर पता बिकॉज नहीं ही था. ऑलरेडी अंडरस्टूड इट अनि कति राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेछ त नि आइसले, नहीं इट्स पता अल था ना. बिकज अफ द हेड प्रोबब्ली। थैंक्स सो मच जाना मत ताई। कौन क्या यार, आदमी पाके तुम है। पूछो और ऐसी सी बात भी सिखाओ यार मुझे यार, ऐसी पता चलने चाहिए यार कुछ। बताओ क्या पूछते हैं, क्या जानना अब तो क्या पूछ रहा था तो मतलब पता नहीं यार क्या क्या होती है। भने होइन त्यो हेड्रेड यति बताओ आयो क्या अनि पूछते हो, त्यसपछि बताओ. उसको बिचरा मनै डाइभर्ट भयो नि त, अनि अचानकै अनि त्यसपछि सर्लकै मान्छेले अब त्यो नराम्रो कमेन्ट गर्यो नि त, त्योभन्दा पहिलासम्म त ऊ ठिकै थियो थैंक त यू. होइन। बिल्कुल. क्या पूछ यार मुझे कोई समझ नहीं आती, उसको कुछ त्यही त कुछ समझ नहीं आती यार पूछने के लिए। तुम खुद बोलो ना कि ये चीज होती है ये होती है, जिसकी क्या हमारे में ये होती है ये होती है ये रीजन ऐसी बात है। बस देखो ये चीज़ है, मैं तुम्हें बात बताती हूँ. मुझे ना सोशल मीडिया पे ये रिलीजन को डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता. जब मैं फोर्थ फाइव्थ फिफ्थ क्लास में थी ना, तो मुझे मेरी टीचर्स बोलती थी कि सोशल मीडिया पे तीन चीज़ें कभी भी डिस्कस नहीं करनी, दो चीज़ें कभी भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, रिलीजन कास्ट. ठीक है, ये चीज़ों से जो है ना खून हो जाता है, तलवारें उठ जाती हैं. तो मैं इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करती. बाकी प्राइवेट में आपको मुझसे जो पूछना है मैं आपको बताऊंगी. मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें पब्लिकली किसी को भी बताना या किसी से बात शेयर करना, मुझे अच्छा नहीं लगता. और ये बातें प्राइवेटली में ही हो तो अच्छी बात है. अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, उसकी 100 बातें होती हैं, तो कहाँ कहाँ तक बताऊंगी, लेकिन प्राइवेट में बता दूंगी, ऐसे नहीं. सही क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो, लेकिन जो और लोग बैठे हुए ना उनको कंटेंट मिल जाएगा. सही है यार। वो तो यार कल कभी मतलब पता नहीं कौन एक पागल जैसी हो को यार क्या बोला छोड़ यार, अभी यार वो बात सोच के मुझे फिर से वो दिमाग खराब हो जाती है। वो ट्रिगर क्या हुआ भाई था? सके ना अरे आई यार साले इधर ने होते हैं ना यार कुछ लोग यार, तो वही हमारे नेपाल के मान्छे हो गए वहाँ, फेरि को मान्छे हो है त्यस्तो फेक आइडी बनाएर जे पाए जे पाए जहिले नि गए त मेरै लागि बचिरहला अहिले उनकी कुरा समात्नलाई। को रहेछ अरे त्यो कोई मान्छे यति 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 नै थियो होइन कुरा। क्या हुआ था? हाँ सॉरी, क्या हुआ था? तुम क्या बोल रहे थे? क्या पंगा? अरे कुछ नहीं यार बस ऐसे मतलब फिजूल की वो वीडियोस लेके क्या क्या लिख के डालते इधर मतलब इधर के लोग, जैसे ओके. कि मतलब कोई कुछ कुछ लोग होते हैं जिसका मतलब अकल अभी तक मतलब अच्छे से नहीं बड़ी होती है ना, तो वही लोग मतलब फिजूल की बातें दरियो की बातें यार कैप्शन में जाके ये वो लिख देना और ये वो बोल के जिसका दिमाग नहीं होता अच्छे से, मतलब बच्चे जब मतलब जब बड़े हो रहे थे तब मतलब अच्छे से कैप्शन तो वो दे नहीं यार मान जे पाई दे लीजिए। मतलब जिसको शरीर में वो नहीं हुआ था अच्छे से, तो वो लोग
छोड़ो 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 इन सब बातों को छोड़ो. टू ऑल द मुस्लिम्स हु आर वॉचिंग मी हेयर, टू ऑल द पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम्स हु हु एवर इज वॉचिंग मी हेयर एंड आयुष, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से है, हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था, उसका भी कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. ही इज़ रियली सॉरी, उसने अपोलोजाइज भी किया है. सो डोंट टेक दिस थिंग इन टू अनदर मैटर और समथिंग. प्लीज़ डू सपोर्ट एंड लव अस. उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो जब बोलेंगे तो पता लगेगा. मैंने भी कभी उससे नहीं बताया, तो वी आर इक्वली इन दिस. उसकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, और अगर उसकी गलती है तो मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था, उसने कभी पूछा भी नहीं, तो ये चीज़ मैं क्यों वो करूँ. तो प्लीज़ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, प्लीज़ डोंट टेक दिस फर्दर. ओके, थैंक यू सो मच. सही है. और एक और भी था, एक बात बताओ, तुम्हें यूट्यूब से कितनी इनकम होती है? तुम्हारी तो इतनी ज्यादा बताते हैं लोग, तुम्हें सच में इतने पैसे आते? 20 लाख 25 लाख कितने लोग बोलते हैं यार. हाँ वही ना. अरे यार क्या क्या न्यूज फैलाना, ये तो है ना, 20-25 लाख कमाने वाला यार इंसान, मतलब इधर टिकटॉक में आके ये मुजरा करके बैठा है. मुजरा. आई थिंक त्यही थियो होइन. सो कुरा चाहिँ त्यही थियो है. सो यो कुरा चाहिँ पुरै हेर्दाखेरि मलाई खोइ त्यस्तो अफेन्सिभ लागेन होइन, तर चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने मलाई त्यो कुरा हुँदा हुँदै त्यो हेडको कमेन्ट टन्नै आयो नि त, त्यही भएर चाहिँ अलिकति ट्रिगर भयो कि खास, अनि आयोस् अनि त्यही भएर भएको मलाई चाहिँ. अब यो कुरा कस्तो हो भने मेन कुरा हाम्रो जस्तै हो क्या. फर इक्जाम्पल, अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अब बच्चा हुनेवाला छ अरे होइन, मेरो बच्चा हुनेवाला छ अनि त्यसपछि कसैले आएर मलाई चाहिँ भन्यो होइन, अनि त्यसको के नाम राख्ने होला भने त राम राख्नु भनेर भन्यो नि होइन, अनि त्यसो हामीले डाइरेक्ट भन्छ छ्या राम पनि नाम राख्छ यार भनेर भन्छ, किनभने राम इज अ भेरी कमन नेम इन नेपाल क्या होइन, एकदमै कमन नेम होइन, एकदमै ओल्ड कमन नेम हो राम भन्नेहरू भन्ने बित्तिकै अब राम नै राख्छ भन्छ होइन. तर हामीले हिन्दू रिलिजनमा भन्यो नि राम इज वान अफ द, अब राम थाहा नै छ तपाईँहरूलाई होइन, राम इज वान अफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड नाम होइन. अब हामीले जब गर्दाखेरि केही चिज चाहियो भने धेरै राम 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 राम, राम भन्दा मरा मरा भन्दै भन्छ, भनेपछि द्याट इज लाइक रियली रियली रेस्पेक्टफुल नेम होइन हाम्रो कन्ट्रीमा. हाम्रो अब उहाँको चाहिँ जो मोहम्मद छ अनि त्यस्तै हाम्रो पनि यही राम भन्ने नाम हो, हामीलाई कमन लाग्छ त्यो, किनभने त्यो सबैको नाम हुन्छ नि त, अनि अहिलेको बच्चाहरूको नाम किन राम राख्नु भन्ने हुन्छ. तर चाहिँ हामी त्यो यदि त्यो कल्चरल वाइज ट्रेडिसन वाइज जाने हो भने राम त फेरि हाम्रो लागि भगवान् राम हो नि त फेरि होइन, अनि त्यो हिसाबले भन्यो. त्यही भएर त्यो बोल्दाखेरि जुन त्यो कमन निस्किन्छ नि, तर चाहिँ त्यही निस्किन्छ, तर चाहिँ अलिकति चाहिँ आयुषलाई त्यो थाहा नभएर चाहिँ त्यो वर्डै युज गरेको भएर चाहिँ अलिकति मान्छे अफेन्ड भएको. अभियसली अब यही कुरा अनि अर्को देशको मान्छेले भन्यो भने त अभियसली ट्रिगर हुन्छ नि त, जस्तै हाम्रै देशको मान्छेले हामी दुईजना साथीभाइहरूसँग कुरा गरेको बेला ए राम राम पनि राख्छ यार छ्यात राम पनि के राख्नु नाम भने, त्यो नाम वाइज जाइन्छ नि त, हामी त्यो फिलिङ्स वाइज त गएन नि त, किनभने हाम्रो लागि हाम्रो भगवान् राम त फेरि लास्टै नै क्लोज छ नि त फेरि. तर त्यही कुरा चाहिँ अरू जुन चाहिँ हाम्रो रिलिजनको होइन त्यो अरू रिलिजनको मान्छेले भन्यो भने त्यो अलिक बढी ट्रिगर हुन्छ क्या. तर चाहिँ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यदि त्यो थाहा नपाएर यदि त्यो सुनेको भए भने चाहिँ मैले पनि त्यही रियाक्ट गर्थेँ होला जस्तो लाग्यो मलाई मलाई नि. तर चाहिँ अफकोर्स पछि अनि जुन बेलामा चाहिँ आयुषले थाहा पायो अनि त्यसपछि ऊ रियलाइज गर्यो नि त, उसले पनि हि अल्सो रियलाइज द्याट ओके त्यो त लास्टै नै ठुलै कुरा भएछ यार कस्तो भनेर. द्याट्स द थिङ इज लाइक हि इज लाइक वान अफ द, मैले भने नि अघि नै हि इज वान अफ द मोस्ट रेस्पेक्टफुल पर्सन होइन. उसले भ्लगहरू हेर्नु, अरूसँग मान्छेहरूसँग बोलेको तरिकाहरू हेर्नु, आफूभन्दा सिनियर जुनियरहरूसँग कुरा गरेको हेर्नु, ऊ असाध्यै माया गरेर चाहिँ बोल्छ कि ऊ, त्यस्तो तरिकाको मान्छे ऊ हुँदै होइन. इफ यु वुड हेभ नोन अबाउट इट देन अभियसली यु वुड हेभ नेभर डन इट. त्यो चाहिँ मलाई त्यो 100% स्योर, त्यसमा केही दोहोऱ्याए केही छैन, त्यो चान्सै छैन कि आयुषले थाहा पाएर त्यसो गर्छ भने. बिकज इफ यु सी एज वेल होइन, अनि इफ यु सी एज वेल त्यो नामको सोच्दा सोच्दै पनि उसले त्यत्तिकै त्यो फन वेमा नै लैरहेको थियो नि त, तर अभियसली मान्छेले हेर्ने मान्छे ट्रिगर हुन्छ. जस्तै त्यही मान्छे त्यही कुरा हामीले मैले भर्खरै शिव राम राख्यो भने त हाम्रोमा त अहिले त भन्यो नि शिव नाम राख्ने ए के हो भोलेनाथ हो क्या, अब मान्छे गाजा साजा खान्छ क्या भन्छ, बट शिव इज लाइक आवर गड. अभियसली त्यो गडको थ्रुबाट लाने हो भने
यो चिजहरू हामीले कुनैलाई पनि डिसरेस्पेक्ट गर्दै गर्दैन हामीले, किनभने हामीलाई थाहा छ त्यसको महत्त्व होइन. तर इन कमन कमन कुराहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ यो नामहरूको कुरामा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले ए यो नाम त के राख्ने भन्ने हाम्रो इन जेनरलै कुरा हुन्छ होइन. तर चाहिँ त्यो मात्रै भएको हो, बट अभियसली हि हेज अलरेडी सेन्ट सरी एन्ड एभ्रिथिङ हेज सर्टेड आउट. तर मान्छे चाहिँ त्यही नै हो, अब सबैलाई चाहिएकै त्यही हो कि कतिखेर चाहिँ यो मान्छेले नराम्रो बोलोस् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चार पाँचवटा फ्याटका फ्याट फालौँ भनेर सोचेको हुन्छ नि त. अनि त्यसपछि त्यही मान्छेहरूले हेट हेट गर्छ अनि अभियसली अब जुन प्लेटफर्ममा छ अनि त्यही प्लेटफर्ममा धराधर अब मलाई एउटा दुइटा कमेन्टहरू त नराम्रो आयो भने चाहिँ कस्तो के भन्यो होला भन्छ. अब यो मान्छेलाई अब आयुष र अलिजालाई यति धेरै कमेन्टहरू आउँछ त अभियसली उनीहरू पनि मान्छे हो एट द एन्ड, अनि त्यसपछि हामीलाई त्यस्तो फिल हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि त अभियसली नै फिल हुन्छ. सो द्याट वाज द केस आई गेस. सो होपफुली यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति सल्भ हुन्छ, यहीँ काटौँ होइन, किनभने आई थिङ्क एज अ जनताहरू आई थिङ्क वी निड टु सपोर्ट देम. अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुरा भनेको बेलामा अभियसली आई न्यू द्याट द्याट्स वाइ आई डिन्ट रियाक्ट वेल. अब त्यसपछि मलाई त्यो कुरा थाहा नभएर मैले हेरेको है म पनि त्यो हाँसिरह हुन्थ्यो होला क्या, बिकज मैले त्यो सेन्समै हेरेन नि त त्यो भिडियो होइन. अहिले त थाहा पाएर पो मैले त्यो हेरेँ त नि, ओहो यो मोहम्मदको केस रहेछ भनेर मलाई त्यो रियाक्सन मेरो निस्किएन. यदि मलाई त्यो मोहम्मदको केस भनेर थाहै थिएन भने म पनि हाँसिरह हुन्थ्यो होला क्या, भन्नाले ए मोहम्मदलाई भन्नाले. मैले त नामको तरिकाले लिएन नि त, मैले त भगवान्तिरबाट गएन नि त. सो द्याट वाज ह्यापन्ड. सो अभियसली अरू कल्चरकोले चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जसरी नै नराम्रै लाग्छ, बिकज वी निड टु रेस्पेक्ट इच अदर कल्चर होइन. अनि त्यसपछि सो एज दे ह्याभ टु त्यो सो भाइस वर्ष हुनुपर्छ. त्यही भएर चाहिँ अब त्यो भने नि एकचोटि आयुषले सरी भनेपछि त अभियसली एभ्रिथिङ सुड बी सर्टेड आउट. तर नेगेटिभ मान्छेहरूले गरेर चाहिँ अलिकति धेरै नै हुन्छ. तर चाहिँ मैले भिडियो पुरै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जो राम्रो लागेको थियो भन्नाले जे थियो प्रब्लम त्यो सल्भ भयो, अनि त्यसपछि त्यो सरी भयो, अनि अफकोर्स अलिजेले कति राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्यो, अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ इज लाइक वेल. अब यसमा चाहिँ उसलाई थाहा छैन यता, अब अभियसली थाहा हुँदैन नि त, किनभने मलाई पनि म दुबई गएको पहिला त्यही भएर मात्रै मलाई थाहा भएको यसको बारेमा होइन, मोहम्मद एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड लिटल बिट कल्चर अफ मुस्लिम एन्ड अल. तर चाहिँ मलाई पनि थाहा हुन्थेन होइन. सो अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नै, अन्त द मेन थिङ इज यु निड टु एक्सेप्ट द्याट. अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि अनि मलाई मैले भने नि अघि नै एकचोटि आयुषलाई यदि त्यो थाहा पाएको भए यु वुड नेभर डु इट, बिकज दिस गाई इज वान अफ द मोस्ट रेस्पेक्टफुल एन्ड जेन्युइन पर्सन, किनभने उसले त्यस्तो नराम्रो केही गर्दै गर्दैन. सो द्याट्स वाट आई थिङ्क. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल, एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट रियाक्सन भिडियोज गाइज. बाई.